नमस्कार जय श्री कृष्ण प्रणाम चैनल में हम प्रतिदिन आपको कोई ना कोई नए जो ज्योतिष से संबंधित विषय है देते रहते हैं आज का विषय इतना चुनिंदा है कि आप छोटे स्तर से भी अगर ज्योतिष को सीखना चाहेंगे तो आपको जानने के लिए ज्ञान लेने के लिए ये भटकना नहीं पड़ेगा क्या देखना चाहिए किस घर से देखना चाहिए हम अक्सर केवल एक ही विषय के बारे में जानते हैं कि भाई अगर सिर है तो लग्न से देखना चाहिए नहीं सिर के अलावा भी लग्न कुछ और है इसी तरह से दूसरे घर से हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में जानते हैं धन नहीं इसके अलावा और भी कुछ है और वो रहस्यमयी चीजें हैं इसलिए आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा बीच में अगर आपने रोका तो लाभ नहीं होगा चलिए लग्न क्या है लग्न वह स्थान है जो व्यक्ति बीज अंकुरित होने पर धरती में जब बीज डालता है तो अंकुरित होने पर उसका पहला अंकुर फूटता है उसे कहते हैं लग्न अथवा अंकुर अंकुर में कितनी शक्ति है पावर है यह भी बहुत आवश्यक है जमीन की उर्वरा शक्ति कितनी है अंकुर बताएगा ठीक उसी प्रकार से आपके लग्न के अनुसार आपकी मनोवृत्ति के बारे में यह लग्न ही बताएगा लग्न से शारीरिक संरचना और प्रतीति यानी फीलिंग्स चेहरा और व्यक्ति का चरित्र यहां पर स्वभाव को लेकर कहा जाता है चरित्र जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपका जो इंग्लिश शब्द है मैं बहुत कम जानता हूं अंग्रेजी में करेक्टर अंग्रेजी में कहते हैं तो करेक्टर को लेकर के यहां पर समझा जा सकता है मान सम्मान कितना मिलेगा ये लग्न बताएगा आरोग्यता शारीरिक निरोगता ये लग्न बताएगा व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का विकास जीवन में कितना होगा ये लग्न ही बताएगा आयु का निर्णय लग्न ही करता है इसलिए सर्वप्रथम अपने आयु और लग्न को निर्धारित करने के बाद ज्योतिषियों को चाहिए कि वो किसी अन्य विषय के बारे में बताएं क्योंकि जब शरीर नहीं है तो संसार के सुख कहां है इसलिए शरीर की आयु कितनी है इसका निर्धारण लग्न से होता है आप देखिए लग्न में बैठे हुए कारक ग्रह लग्न के कारक हैं सूर्य सूर्य चूंकि आत्मा के स्वामी है नेत्रों के स्वामी है सूर्य चक्षसो अजायत इसलिए सूर्य से विचार करना चाहिए किन किन विषयों का आप सब जानते हैं वैसे सूर्य से पिता के बारे में भी अच्छा पता लगता है चरित्र के बारे में प्रशासन के बारे में पता लगता है अब लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है वो आपको देखना है लेकिन लग्न का कारक सूर्य होगा मान लीजिए आपका मेष लग्न है और मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं मंगल किस अवस्था में बैठे हैं और किन ग्रहों के साथ बैठे हैं मंगल शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपके जीवन में कटुता ज्यादा रहेगी मंगल मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं तो आपके अंदर मिठास रहेगी उदारता रहेगी आपका चरित्र शुद्ध होगा आप जो बात कहेंगे वो करेंगे इसी तरह से मान लो वृष लग्न है और वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, अब शुक्र दूसरे घर में बैठे तीसरे घर में बैठे और शुक्र के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं वो महत्वपूर्ण है लेकिन यदि लग्नेश मजबूत नहीं है फिर भी अगर सूर्य मजबूत है तो आपके चरित्र में वह आभा आ जाएगी अगर सूर्य बढ़िया है तो माना कि शुक्र या मंगल की दशा में आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, परंतु मेन सूर्य अगर कारक अच्छे हैं तो आपके आयु आपके आचरण सब शुद्ध होंगे तो लग्न से ठीक इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए अगर आप जन्म कुंडली देखते हैं तो लग्न के ऊपर पाप ग्रह और क्रूर ग्रह तथा सौम्य ग्रह शुभ ग्रह अशुभ ग्रह शुभ और अशुभ ग्रह जैसे भी होंगे वैसे आपका स्वभाव आपका स्वास्थ्य होगा ठीक तो मेन स्वभाव के बारे में आपका सूर्य भी बताएगा आपका लग्न भी बताएगा स्वास्थ्य के बारे में आपका सूर्य भी बताएगा आपका लग्नेश भी बताएगा इसी तरह से हम वीडियो को बहुत छोटे छोटे भागों में आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको लंबा समय ना देना पड़े और एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा द्वितीय घर क्या है दूसरा घर धन है लेकिन दूसरा घर वचन भी है वाणी भी है दूसरा घर परिवार भी है दूसरे घर में बैठे हुए बुरे ग्रह परिवार वालों के ऊपर बुराई का प्रभाव डालेंगे बुरे ग्रह वाणी पर प्रभाव डालेंगे इसलिए दूसरे घर में बैठे हुए शुभ अशुभ ग्रह धन परिवार और वाणी सबको दूषित करेंगे ठीक व्यक्ति के पास कमाया हुआ धन कितना है यह दूसरा घर बताएगा रहेगा या नहीं रहेगा वहां पर बैठे हुए शुभ या अशुभ ग्रह बताएंगे मान लीजिए दूसरे घर में मिथुन लग्न है अब बुद्ध धनेश हो गया धन का स्वामी आठवें चला जाए या आठवें भाव के स्वामियों के साथ युति या दृष्टि युति कर ले तो धन तो भाड़ में चला जाएगा धन की स्थिति मूर्खता में खर्च हो जाएगी अगर धनेश छठे, आठवें बारहवें भाव के साथ कोई संबंध करेगा तो धन मूर्खता में जाएगा ठीक इसी तरह से धनेश अगर पुण्य शील ग्रह शुभ ग्रहों के साथ बैठे है तो धन और परिवार सबको मजबूत करेगा इसलिए दूसरे घर को वाणी परिवार संग्रहित धन जेवर अंगूठी हार सोने की चीजें जेवर दूसरा घर जेवर भी है अगर आपको पता करना हो कि जेवर होगा या नहीं दूसरे घर के भाव से पता लगेगा कीमती रत्न दूसरे घर से पता लगता है दाया नेत्र या राइट आइस इसका पता दूसरे घर से लगता है नाखून बुरे या भले नाखूनों से भी आपके ज्योतिष में आपके धन के बारे में बताया जा सकता है बुरे नाखून या भले नाखून नाखूनों का भी फलादेश दूसरा घर है जीभ कैसी है दूसरा घर है दांत यानी टीथ कैसे हैं दूसरा घर है जीवन का उद्देश्य क्या है व्यक्ति अपना उद्देश्य लेकर आया और किस उद्देश्य से जी रहा है दूसरा घर है लाइफ की कामनाएं जीवन की कामनाएं, दूसरा घर है कल्पना दूसरा घर है ध्यान देने की शक्ति एकाग्रता का विचार करना है तो दूसरा घर है दूसरे घर का स्वामी यदि बुरे ग्रहों के साथ होगा तो ध्यान एकाग्र नहीं होगा दूसरे घर में पापी चंद्रमा बैठा हो ऐसे मन ऐसे व्यक्ति का मन अशांत चित्त रहेगा अप्राकृतिक मैथुन सेक्स ये क्या है दूसरे घर से पता लगता है ठग के द्वारा यानी ठगी के द्वारा धन की हानि होगी कैसे पता करें दूसरे घर से पता करें और जीवन साथी के साथ विवाद ये दूसरा घर आपको बताता है अगर दूसरे घर में पापी ग्रह बैठे हैं तो जीवन साथी के साथ बराबर संघर्ष रहेगा तो इस तरह से लग्न से दूसरे घर तक के इन बातों को मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया चर्चा की अभी हम तीसरे चौथे पांचवे यानी बारह घरों तक आपको कारकत्व की चर्चा करेंगे एक बात यहां और कह दू दूसरे घर का कारक देवगुरु बृहस्पति है धनेश हो सकता है आपका खराब हो लेकिन बृहस्पति यदि अच्छा है तो आपके पास धन रहेगा इसी तरह से तीसरे भाव का कारक मंगल है चौथे भाव का कारक चंद्रमा है ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे और आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा विराम देता हूं यहां पर वाणी को अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे तब तक नमस्कार जय श्री कृष्ण प्रणाम